अक्षर चढ़े तीन पे तीन सुने जद चार दो चढ़ बैठे चार पे इब तीन पांच पे त्यार तीन पांच पे त्यार। ओम जय सियाराम। मित्रों स्वागत है आपका आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आज का प्रश्न लिया है श्रीमान गोविंद राम सोनी जी का। इनका प्रश्न एक हरियाणवी भाषा की पहेली है और इन्होंने बड़े सुंदर ढंग से पहेली को जलेबी की तरह घुमाया है। तो सबसे पहले इनकी पहेली को हिंदी में अनुवाद करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ आ सके। दो अक्षर का नाम बोल कर तीन अक्षर कहिए, तीन अक्षर सुनते रहिए चार अक्षर कहिए। दो अक्षर फिर बोलो चार फिर से कहिए, अब तीन कह के पांच अक्षर को हृदय में गहिए। दो अक्षर का नाम बोल कर तीन अक्षर कहिए। आपका कहना है कि सर्वप्रथम दो अक्षर का नाम लो, वो कौन सा नाम है? राम। फिर तीन अक्षर का नाम लो, वो कौन सा है? कृष्ण। तीन अक्षर सुनते रहिए अर्थात दो बार कहिए कृष्ण कृष्ण। चार अक्षर कहिए सीताराम। दो अक्षर फिर बोलिए राम राम, और चार फिर से कहिए सीताराम। तीन अक्षर का नाम लेना है श्याम श्याम, और पांच अक्षर का नाम है राधे श्याम। अब सबको मिलाकर बोलिए राम कृष्ण 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 सीता राम, राम राम सीता राम, श्याम श्याम राधे श्याम। इसको थोड़ा और सरल बनाना है तो राम श्याम 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 सीता राम सीता राम, राम राम सीता राम, श्याम श्याम राधे श्याम, राम राम श्याम श्याम सीता राम सीता राम, राम राम सीता राम, श्याम श्याम राधे श्याम। अब थोड़ा और सुधार कर मात्राओं के साथ सब मिलकर बोलिए राम कृष्ण राम कृष्ण 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 सीता राम, राम राम सीता राम, श्याम श्याम राधे श्याम। या और सरल बनाना है तो राम श्याम श्याम राम, श्याम श्याम सीता राम, राम राम सीता राम, श्याम श्याम राधे श्याम, राम राम श्याम राम, श्याम श्याम सीता राम, राम राम सीता राम, श्याम श्याम राधे श्याम। तो आशा करता हूँ कि मित्र गोविंद राम सैनी जी की पहेली का सही उत्तर मिल गया होगा और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा और आप सब इस वीडियो को सभी मंचों पर शेयर करके देश के कोने कोने में इस प्रभु नाम संकीर्तन को फैला देंगे। जिन मित्रों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत कर लेंगे। अस्तु जय सियाराम।